दोस्तों जहां एक तरफ मार्वल की इस साल बस एक ही मूवी रिलीज होनी थी डेडपूल एंड वुल्वरीन, वहीं दूसरे साल मार्वल की एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन मूवीज रिलीज होने जा रही हैं, जिनमें से एक है थंडरबोल्ट्स। एंड वैसे तो ये मूवी अगले साल मई के महीने में रिलीज होने वाली है, बट मार्वल वालों ने ऑलरेडी इसका एक टीजर ट्रेलर लाकर हमारे सामने पटक दिया है, विच एक्चुअली डज लुक गुड। एंड यस, काफी सारे लोगों की तरह मुझे भी इसका टीजर देखने के बाद डीसी की सुसाइड स्क्वाड की याद आई, जहां उस मूवी के अंदर भी विलन्स की एक टीम बनाई जाती है एनचेंट्रेस जैसी विच को हराने के लिए। बट जहां डीसी ने पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हक दिया था, वहीं इसकी तुलना में हम एटलीस्ट थोड़े बेटर की उम्मीद तो रख ही सकते हैं मार्वल से, एस गधे और घोड़े में कुछ तो फर्क होता है। ऑल्सो जहां सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवी के अंदर एक साथ हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिल गए थे, वहीं थंडरबोल्ट्स की ये टीम भले ही देखने में फ्रेश लग रही हो, बट इन सारे कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं अलग अलग मूवीज एंड सीरीज के अंदर ठीक ठाक कैरेक्टर डेवलपमेंट मिल चुका है, जिसके चलते इन लोगों के साथ कनेक्ट बिठाना ज्यादा आसान होगा। तो थंडरबोल्ट्स की इस टीम के अंदर हमें येलिना, वेलेंटीना, घोस्ट, इविल कैप्टन अमेरिका, बकी एंड टास्क मास्टर जैसे कैरेक्टर्स साथ मिलकर सेंट्री जैसे एक्सट्रीमली पावरफुल विलन से भिड़ते हुए नजर आएंगे। अब वैसे तो सेंट्री एज सच कोई प्रॉपर विलेनियस कैरेक्टर नहीं है एंड ही इज मोर ऑफ एन एंटी हीरो इन द कॉमिक्स, बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्वल इन सारे कॉमिक कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज के ऊपर अपना एक अलग टेक लेना पसंद करता है, तो वही सेम चीज यहां पर भी होने वाली है। ऑल्सो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी ये काफी हद तक नर्फ करने वाले हैं, ताकि थंडरबोल्ट्स की ये सरफरी टीम उसको डिफीट कर सके, या फिर हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द मूवी थंडरबोल्ट्स और सेंट्री का थॉट प्रोसेस अलाइन हो जाए, जिसके चलते एमसीयू अपने फ्यूचर मूवीज में भी सेंट्री जैसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सके। ऑल्सो जहां एक तरफ हमें इस टीजर के अंदर बहुत सारे प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ रेड हल्क एंड जीमो को इस टीजर में नहीं दिखाया गया है, जो कि सपोजिटली थंडरबोल्ट्स की इस टीम का पार्ट होने वाले हैं। अब देखो, रेड हल्क को इस टीजर के अंदर शो ना करने का रीजन तो काफी हद तक समझ में आता है, एज थंडरबोल्ट से पहले कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज होने वाली है एंड उसी के अंदर सबसे पहले जनरल रॉस एके रेड हल्क का ये कैरेक्टर मेन एंटागनिस्ट के रोल में नजर आने वाला है। तो आई गेस ब्रेव न्यू वर्ल्ड के रिलीज होने के बाद जब हमें थंडरबोल्ट्स के मल्टीपल ट्रेलर देखने को मिलेंगे, उसी के अंदर शायद हमें रेड हल्क और जीमो जैसे कैरेक्टर्स को टीज किया जाएगा। ये टीजर पूरी तरह से मार्वल के टिपिकल सुपर हीरो टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड नजर आ रहा है, जहां पर हमें इमोशंस, मस्ती और एक्शन का एक वेल बैलेंस तड़का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऊपर से इसकी कास्टिंग भी एकदम टॉप नॉच नजर आ रही है, जहां पर स्कारलेट जॉनसन के बाद फ्लोरेंस पग ब्लैक विडो के कैरेक्टर में परफेक्टली फिट बैठती हुई नजर आ रही है। एंड अभी से ऐसा फील आ रहा है कि वो इस कैरेक्टर में एक मच रिक्वायर्ड फ्रेशनेस ऐड करने वाली है। ऑल्सो एंटमैन एंड द वास्प जैसी फॉरगेटेबल मूवी में अपीयर होने के बाद घोस्ट का कैरेक्टर यहां पर भी एक नए अवतार एंड सूट में नजर आ रहा है, और मानना पड़ेगा कि अभी से ही काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रहे हैं इस कैरेक्टर के ऊपर डिजाइन किए गए एक्शन एंड वीएफएक्स। एंड इसके अलावा इतने टाइम के बाद हमें बकी अपने वही पुराने विंटर सोल्जर वाले गुस्सेल एंड रफ अंदाज में नजर आ रहा है, एंड इट इज ऑलवेज सच अ प्लेजर टू वॉच दिस कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। ऑल्सो अगर जिस किसी ने भी एंटमैन एंड द वास्प, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, हॉकआई एंड ब्लैक विडो जैसी मूवीज और सीरीज को नहीं देखा है, उन्हें डेफिनेटली थंडरबोल्ट्स का टीजर इतना ज्यादा एक्साइटिंग फील नहीं होगा। इसलिए बेटर होगा कि थंडरबोल्ट्स की रिलीज से पहले आप ये सारी मूवीज एंड सीरीज देख लो, बिकॉज इनमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स आगे फ्यूचर एमसीयू मूवीज के अंदर भी डेफिनेटली नजर आने वाले हैं। तो मुझे पर्सनली थंडरबोल्ट्स का ये टीजर ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आया, एंड ऐसा लग रहा है कि डेडपूल वुल्वरीन के बाद मार्वल के लिए काफी हद तक चीजें वापस बैक ऑन ट्रैक आ रही है। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खुशहाल के विचार।